पुलिस का अपना घर का थलिया थरिया समझ लिया क्या, उसको आज उठा लिया कल उसको उठा लिया, जान से मार दिया, मारा है, मारा है, हाँ हाथ पैर सब मोटा कर दिया मार मार के वो लोग को। फिर ऐसे कैसे घर से आए, गमछी भी कुछ भी लेके नहीं आया, कैसे मर सकता है? हाँ हम लोग रिपोर्ट लिखवाया तो हम लोगों को मारा है, बाप को ही मारा, पिताजी को भी पीटा है, अस्सियों ने घूस खा के उसको मार दिया। पुलिस वाला को जब तक नहीं मारूंगी तो मैं सब तक चैन से नहीं बैठूंगी। अगर इंसाफ नहीं देता है तो थाना वैसा थाना बंद कर दे। इंसाफ मांगने के लिए तो उसे जान से मार दिया जाएगा। ये कानून, ये संविधान है हमारा। सत्ता में विजय का मतलब क्या होता है पता है? थाने में टीआई सीओ दरोगा जो मिल मिल के मारा है 8-9 आदमी, सबको हमें चाहिए। 4 दिन से रखा है उसको, 4 दिनों से रखे थे, 4 दिन से मारा है, 4 दिन से ये गमछा ठीक है, मैं फांसी लगा कैसे टांगो वहाँ जाकर मैं फांसी को, मेरे को सहारा चाहिए नीचे से वहाँ चढ़ने के लिए कुछ सर, लेटरिंग बाथरूम का सहारा रहेगा तब मैं चढ़ूंगा उस पर फांसी लगाने के लिए। मैं तो मैं कैसे चढ़ूंगा सर फांसी, मैं कैसे फांसी लगाऊंगा सर इसमें? उसको इतना मारा गया सर, बर्दाश्त कहा धोखा था, बेचारा मर गया वो। फांसी से उतरने से पहले वहाँ का गार्जियन बुलाया जाता, उसके पिताजी उसको उसी थाने में उपस्थित थे तो वीडियो बना के उतारते, पब्लिक को दिखाता कि भाई अपने आपका बेटा स्वयं आत्महत्या किया है। वैसा किया का पुलिस वाले, क्या लाइसेंस बोल रहे हैं आप? माने पुलिस का लाइसेंस ही बंदूक है, वो मार सकता है, तो बोल रहा है पुलिस वाले के पास लाइसेंस है तो पब्लिक को मार देंगे। कहाँ 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 पे मारे हैं पुलिस वाले? पैर में मारे हैं, नीचे पैर में मारे हैं, हाँ जी, और ये हमारे हैं, यहाँ भी मारे हैं जी, और हाथ हाथ में 3 जगह। बहू का बारे में मैं नहीं जानते सर, मैं बोल रहा जो नाम पता नहीं जान रहा हूँ तो वो भी बोल नहीं पता। हाँ कौन खान साहेब है ये अभी देखा है, वही हम लोग का बहू मारे हैं, जो 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 इनको मारे हैं वही पुलिस वाला हम लोग को बस 5 मिनट के सामने 15 दिन पहले मारपीट किए थे तो ये एक घाव हो गया था जी जी। पुलिस खोजना छोड़ के आप लोग को ही पिटाई का पिटाई चल रहा है, जब चल है गया मेरा एक ही बेटा था, आज कुछ नहीं हुआ तो वो जब तुम लोग जान ली लिया था, आज मैं क्या बोल सकेंगे, आज दोष का पर है जो भी उसका छाता होना चाहिए। आतंकवादी है जिस कारण इनको ऊपर इतना बेहुदापन टॉर्चर किया गया, मारने के बाद ये लोग फांसी का बहाना बनाया है। आप मारने का आपको अधिकार नहीं है, मारने का अधिकार नहीं, नहीं है, इसको मारने का अधिकार, मारने का अधिकार रक्षक करने के लिए। एसपी साहब खुद मारे हैं, वो कौन किस आधार पर उसको एसपी बनाया बताइए, उसको बैल चरवा बनाना चाहिए उसको। पुलिस वाला नहीं है, गुंडा है, लोग पुलिस नहीं है, जल्लाद है। बलरामपुर जिला चिकित्सालय में इस वक्त मैं हूं और जो कल घटना हुई है उस घटना के बाद मैं बलरामपुर पहुंच गया हूं और ये परिवार वाले हैं, परिवार वाले नाराज हैं, परिवार वाले आक्रोशित हैं, परिवार वाले से बातचीत करते हैं, सबको का जान लेते रहेंगे। पुलिस का अपना घर का थलिया थरिया समझ लिया क्या, उसको आज उठा लिया कल उसको उठा लिया, जान से मार दिया। दीदी लड़की के भाई, लड़के के भाई हैं? नहीं मेरा देवर है। देवर है आपके? हाँ। क्या क्या कुछ हुआ था, पुलिस वाले क्यों ले गए थे उनको? अरे 15-20 दिन के पहले वो गया था बाजार, बाजार से आया तो देखा उसका बीबी घर पे नहीं है, वो एक दोस्त को फोन किया, दोस्त को फोन करने के बाद बोला कि मेरा बीबी नहीं है, तू लोग आ जा, वो लोग गया, वो हम लोग सब साथ में जाके देखा तो उसका बीबी नहीं है घर पे, सारा सब ढूंढ लिया, नहीं मिलने के बाद हम तुरंत आए थाने में, थाने में आके 3 आदमी ने 4 आदमी करके रिपोर्ट लिखवाया, पुलिस वाले बोला 3-4 दिन से ढूंढो और नहीं मिला। उसके बाद में फिर वो पुलिस वाले ने क्या काम किया, 4 दिन के बाद मेरा चाचा को लेके आया, उसके बाद में चाचा को माल लगाया, माल लगाने के बाद में माल लगाया मतलब मारा है, मारा है, हाँ हाथ पैर सब मोटा कर दिया मार मार के वो लोग को। फिर इधर आके बोलिए दूर हूँ। हाँ देखिए ऐसे हम पुलिस तो हमारे लिए बनता ना, हाँ, पब्लिक के लिए, हाँ, तो पब्लिक को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा और इंसाफ के लिए जब जाता है पब्लिक तो उसी को पीटा जाता है, तो कहाँ से फिर भरोसा रहेगा? फिर चार दिन एक एक करके बोली, हाँ 4 दिन के बाद घर गया तो हम लोग पूछे तुमको मारा है तो कह रहे कि हाँ, फिर हम लोग बोले कि कोई कार्रवाई करे, चाचा बोले नहीं अभी पुलिस वाले ने कुछ बोला नहीं है, मार के छोड़ दिया। फिर उसके बाद में 10 दिन के बाद में पुलिस वाले गए चुपके से, फिर चाचा को उठा के लेके आए, मेरे देवर को उठा के लेके आए घर से, भतीजा का मेरा लड़का है छोटा वाला 11-12 साल का उसको भी लेके आया, उसको भी लेके आने के बाद में 4 दिन से थाने में बंद करके मार के थाने में डाल दिया, हॉस्पिटल में डाल दिया और बोल रहे कि वो मर गया कि फांसी लगा लिया, ऐसे कैसे घर से आए, गमछी भी कुछ भी लेके नहीं आया, कैसे मर सकता है?
पूछताछ के लिए गया थाने पे तो सुसाइड कैसे कर लेगा बताइए? इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया तो सुसाइड कैसे कर, इंक्वायरी करने के लिए बुलाया गया था ना उनको पूछताछ के लिए, बताइए पुलिस के ऑब्जेक्शन जो रहेगा, पुलिस का जांच के लिए रखा है तो उसको मारे वो कैसे जाके फांसी लगाएगा? वो पीछे पीछे पुलिस का हम लोग का देखिए, हम लोग को सस्पेंड नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, जिसने मारा है उसका जान मैं लो के, कानून के ऊपर से पब्लिक का भरोसा उठ जा रहा है, पता है इंसाफ नहीं मिलता है, दिन पर दिन होता जाता है, इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? हमारा बेटा के लिए हमको इंसाफ चाहिए, अगर प्रशासन कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमारा पब्लिक के कहां जाएगी? हमारे हाथ में दे इंसाफ, ये हमारा पब्लिक हाथ में दे तो हम खुद देख लेंगे, कितना बड़ा सीओ है, कितना बड़ा मंत्री है, कुछ भी हो हमारा सामने आके मेरे से रुकने वाला करे। पुलिस वाले को, पुलिस वाले ही अगर सुरक्षा नहीं करेंगे तो पब्लिक क्या करेगा? टांग दिया और बोल रहा है कि वो मर गया, फांसी ऐसे कैसे फांसी लगाएंगे? से मतलब इंसाफ चाहिए, सजा चाहिए हम लोग को। मौत हुआ है किसी ने, वो निर्दोष, वो भी किसी के बेटा है, ठीक है, वो भी किसी माँ के लाल है, उसको इंसाफ चाहिए, ठीक है, सस्पेंड से कोई मतलब नहीं है, दिन पर दिन गलत होते जा रहा है, इंसाफ नहीं मिलता है यहाँ, बताइए किस लिए बना है कानून? आपके घर के सदस्य घूमे थे, लापता हुए थे, उसके बाद आप लोग कोई पीट रहे थे? हम लोग रिपोर्ट लिखवाया तो हम लोगों को मारा है। उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको खोज करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनके ऊपर से इनको जब गया के उनको उल्टा पीटा जा रहा है, पड़ोसी बोलने के लिए आ रहा है थाने में तो पड़ोसी जो मार रहा है, कितना भी मारा है हम लोगों का दोस्त, उन लोगों का सबको, गुनहगार को खोजना चाहिए, यही ना उनका फर्ज बनता है कि वो जब परिवार वाले जाएंगे तो उनको उल्टा पीटे, जो उनको जान से मार दे। ये कहाँ का है, ये ना है, बताइए हमारा विश्वास है, हमारे भाई सत्तर साल का, 60 साल का बाप है, उसका भी निर्दय ने ऐसे करके मारा है तो बेचारा चल नहीं सक रहा है, पिताजी को बाप को ही मारा, पिताजी को भी पीटा है, पैर इतना बड़ा बड़ा कर दिया, हाथ इतना है, पिताजी का पिताजी है, इतना बड़ा बड़ा कर दिया, पीछे है हॉस्पिटल के पीछे है। कल वहाँ पे बात हो रहा है, उनके पिताजी को दिखाइए, 10 मिनट में ला रहे हैं, 5 मिनट में ला रहे हैं, आधा घंटा में ला रहे हैं, 2 घंटा में ला रहे हैं, नहीं लाए, दूसरे गाड़ी से भेजवा दी हॉस्पिटल में, तो पुलिस क्या कर रहा है? पिताजी को भी खूब मार देंगे, पैसा खा के भाग गया, किसका पैसा खाया? किसी का भी खाया, किसी से खा के भागा? लड़की जो भाग गई, उसकी बीवी भाग गई, वो थाने में रिपोर्ट किया, उसका भाई वहाँ पे जाके यहाँ सीओ से बोला, घूस देने के लिए बोला, और सीओ ने घूस खा के उसको मार दिया। लड़की कहाँ पता चला? लड़की नहीं पता चला, ये पुलिस वाले ने मिल के, ये सीओ हुआ थाने में सब मिल के लोगों ने उसका भाई के चक्कर में कहीं छुपा दिया और हम लोगों को निर्दय को मार दिया। मैं उसका पुलिस वाले को जब तक नहीं मारूंगी तो मैं सब तक चैन से नहीं बैठूंगी। नहीं इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, पब्लिक को जो है ना कानून के ऊपर इनके पास भरोसा उठ जा रहा है, इंसाफ मिलना चाहिए, बताइए इंसाफ नहीं देगा तो, अगर इंसाफ नहीं देता है तो थाना वैसा थाना बंद कर दे, किसी को सीधा सीधी बंद कर दे उसको, सबके लिए कानून बराबर होनी चाहिए कि नहीं? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई पब्लिक को नहीं चाहिए वैसा थाना कोर्ट। नरम आदमी जा रहा है उसको भी मार रहा है, बूढ़े आदमी जा रहा है उसको, ये कौन सा तरीका है? सकता है आज हमारे साथ हुआ था, कल सभी के साथ हो सकता है, इसे सब जागो, अपने जमीन को जगाओ, सोए मत रहो, ऐसे ही आएगा तो पहले जैसे गुलाम था फिर गुलाम होने वाला है ऐसे लोगों के लिए, अपने आप को जगाओ, अपने जमीन को जगाओ, ऐसे लोग जो है पहले हम लोग अपने खून से अपने देश को आजाद किए, इसलिए आजाद किए कि आज साला खुलेआम नहीं जा सकते कहीं, इंसाफ मांगने के लिए तो उसे जान से मार दिया जाएगा, ये कानून ये संविधान है हमारा, बताइए क्या होता है कानून इसे कहता है, क्या कानून इसे होता है? खून के अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो यहीं पे हम लोग अपना जान देंगे, लेकिन इंसाफ चाहिए, थाना बंद कर, ठीक है ऐसा है तो थाना बंद करवा दीजिए, बात खत्म, थाना मत बनाइए, अपना कानून बनाएंगे, हम लोग अपना कानून बनाएंगे, अगर इंसाफ नहीं हो सकता तो हम अपना कानून बनाएंगे, अपना संविधान बनाएंगे, जैसे पहले हुआ करता था, सबसे ऊपर जाके हम इससे ऊपर केस करेंगे। क्यों बना है सत्ता में विजय, क्यों लिखते हैं सत्ता में विजय थे? सत्ता में विजय का मतलब क्या होता है पता है? किसी को नहीं पता है, वहाँ गाड़ी पर लिखा हुआ है सत्ता में विजय थे, पता है क्या उसका मतलब है? क्यों लिखा है सत्ता में विजय थे? अगर हम वर्दी पहनते खाकी वर्दी तो मेरा खाकी वर्दी पहनने के समय कसम भी लेता हुआ है, वादा करता है कि हाँ हम कसम खाते हैं कि हम सबका सेवा करेंगे, क्या सेवा करता है बताइए? क्या सेवा होता है? ये सेवा होता है क्या? जानलेवा सेवा होता है? शिवागती से हमने एकदम शिवा साइना बंद करो थाना, जान के बदले जान, नहीं हमें ऐसे सरकार नहीं चाहिए, ऐसे हमको चाहिए कि हमारा इंसाफ मिले,
ठीक है, दिन ब दिन डेली ऐसा कोई दिन नहीं। कैसे मिलेगा इंसाफ, कैसे मिलेगा इंसाफ, कैसे मिलेगा जो ऐसे जो ऐसे वारदात हो रहा है। हमको सस्पेंड नहीं, सजा दिलवाना है, सजा दिलाई उनको, चुको कोई भी हो, वो किसी भी पद पर है उससे मतलब नहीं है। किसको मारा है उसको चाहिए हमें। कौन मारा है जान रहे हैं आप लोग? थाने में टीआई सीओ दरोगा जो मिल मिल के मारा है, 8-9 आदमी सबको हमें चाहिए। ऐसा? हाँ यही पे चाहिए, सब चाहिए यही पे। कुछ कर पा रहा है तो पब्लिक के ऊपर छोड़ दे। क्या बोले? एक मांग है जो थाना में था वो परिवारी सामने आना चाहिए, सीधा बात। एक जो था थाना में वो सामने आना चाहिए। कौन था थाने में? कौन कौन था प्रभारी? थाना का प्रभारी लोग हैं, बता पाएंगे ना? थाने वाले ना बोलेंगे कि कौन था यहाँ? सिलेंडर होना चाहिए, बस सिलेंडर करना चाहिए। प्रभारी को बुलवाइए, सामने आना चाहिए जो जो थाना में था प्रभारी, जब जब है रविवार। थाने में जो कर्मचारी वहाँ थे, थाने पुलिस कर्मी थे, वो सामने आना चाहिए, पब्लिक का सामने आना चाहिए। हम लोग खुद पूछेंगे, पुलिस वाले को मेरे चाचा को मार के अंदर रखा है, मेरे देवर को लाके हॉस्पिटल में डाला है। क्या हम लोग घर में कोई नहीं है? वो कल लवारिस है, 4 दिन से रखा है उसको। 4 दिनों से रखे थे? 4 दिन से मारा है, 4 दिन से जो जो थाना में था वो सामने भैया आना चाहिए। पिताजी को दिखा दीजिए, पिताजी कहाँ पे हैं? चलिए ना, मेरे को सॉरी माफी। मैं कल गया था, पुलिस वाले को बोला दरवाजा खोलो, चाचा को देखेंगे, पुलिस वाले ने मेरे को भी मारा है। मैं पिताजी को दिखाता हूँ, पिताजी। चलिए भाई, कहाँ पे पिताजी हैं? चलिए, पिताजी किधर हैं? पिताजी कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं पिताजी? ये कल क्या कुछ हुआ था रात को, जो घटनाएं हुई थी जान रहे हैं आप? अब मैं नहीं जान रहा हूँ, नहीं जान रहे हैं, मैं अभी आया हूँ शिवपुरी। कहाँ से हैं आप? तो संतोषी नगर। संतोषी नगर एक ही गांव के हैं? एक ही गांव। ये जो लड़का है, जिस लड़के के बारे में बातचीत हो रही है, ये लड़का कैसा लड़का था? अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का था। ऐसा क्या काम धाम करता था? वो जैसे यहाँ सब्जी वब्जी देता था हॉस्पिटल में। हाँ, और इसी विभाग में काम? हाँ, यही विभाग में काम करता था। विभाग में? ऐसा आप लोग मोहल्ले के हैं दोस्त? हम लोग सर एक साथ पढ़े लिखे हैं सर, हम लोग पढ़े लिखे हैं जी, एक ही साथ पढ़े हैं सर हम लोग। हाँ, तो पुलिस वाले जो बोल रहे हैं कि वो फांसी लगा लिया, ऐसा बोल रहे हैं सर? ये गलत है यार, फांसी नहीं लगा ली क्या वो? हाँ। वो कभी गमछा का यूज करता नहीं था सर, हम लोग एक साथ उठे बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लेकर आज तक कभी गमछा का यूज कभी नहीं किया सर। वो बोल क्या बोले कि सर फांसी लगा, कैसे फांसी लगा सर? सर 10 फीट सर इतना ऊपर है, ठीक है सर मैं मानता हूँ फांसी लगा, इतना ऊपर हम कैसे चढ़ेंगे? चढ़ने के लिए उस पर मेरे को सहारा चाहिए ना मेरे को सर? हम वो फांसी लगा सर, कैसे लगाएंगे सर फांसी उस मेरे को? ये गमछा ठीक है, मैं फांसी लगा सर, कैसे टांगों वहाँ जाकर मैं फांसी को? मेरे को सहारा चाहिए नीचे से वहाँ चढ़ने के लिए कुछ सर। हाँ चाहिए, लेटरिंग बाथरूम को सहारा लगा तो मैं सर चढ़ूंगा उस पर फांसी लगाने के लिए। तो मैं कैसे चलूंगा सर फांसी? मैं कैसे फांसी लगाऊंगा सर उसमें? एक घंटा मैं कैसे फांसी लगाऊंगा मेरे को बताइए पहले। झूठ बोल रहे हैं पुलिस वाले, अगर मान दूंगा तो कितना बचेगा सर ऊपर में बांधने के लिए? पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, झूठे तो बोल रहे हैं सर भाई। मैं फांसी लगा तो लगाऊंगा कैसे वहाँ पर बताइए? इतना गमछा मैं फांसी कैसे लगाऊंगा? वो लेकर कभी गमछा भी नहीं करता था कभी। हम लोग सर छोटे से बड़े से एक साल एक ही साथ पढ़े लिखे हम लोग हैं, वो 12वीं से एक साल पढ़े हैं, गए हैं वो अपना ड्यूटी करता था सर। मैं मुर्गा बेचता हूँ सर सामरी में, उतने उसको इतना मारा गया सर, बर्दाश्त का हद हो गया था, बेचारा मर गया। वो मारने का भी हद होता है सर किसी को? मार के लटका दिया, मार के लटका दिया जी। मार के लटका था, उसको प्रूफ दिखा देना, ठीक है वीडियो बनाते कि फांसी लटके हैं भाई, वहाँ वो गमछा में से लटक गया लेटिंग में जाके, उसको वीडियो बनाना चाहिए। तो जब पत्रकार को भाई लोग को बुलाने पहले फांसी से उतरने से पहले वहाँ का गार्जियन बुलाया जाता, उसके पिताजी उसी थाने में उपस्थित थे, तो वीडियो बना के उतारते, पब्लिक को दिखाता कि भाई अपने आपका बेटा स्वयं आत्महत्या किया है। वैसा किया का पुलिस वाले? नहीं दिखाया, नहीं। अगर फांसी लगाया हो तो उसको दिखाया जाता सामने, आधा गमछा काट के लेके आते हैं कि हाँ देखिए इस चीज का फांसी लटका गया है, वो चीज तो नहीं की वो, उसको दिखाना, वो तो अनंत नहीं थे हाँ कि वो मर गया चलो उसको दफना देते हैं, ऐसे नहीं थे। उसका भी तो कोई हित ना, बाप माई सब कुछ थे, क्या काहे पुलिस वाले सामने पेश नहीं किया? रखा गया 3-4 दिन से मारा जा रहा है। पिताजी कहाँ पे हैं? पिताजी कहाँ पे? चलिए पिताजी से मिला दीजिए मेरे को। जी सर, पिताजी की तबीयत कैसी है अभी उनकी? अभी सर गंभीर है सर, सब फुला हुआ है, हाथ पे पूरा हुआ, वो तो बढ़िया चल नहीं पा रहे हैं।
ये सब हाथ सब फुला हुआ है सर, मारे हैं जो दोनों हाथ है उनको मार के पूरा फुला देगा। पापा जी को अभी देख सकते हैं आप लोग, उनको भी गंभीर चोट आया है बहुत ज्यादा। कौन बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं बता दी, उनको भी गंभीर चोट आया है। उनका पापा जी का जो दोनों हाथ है वो सूजा हुआ है पूरा बिल्कुल, आप अभी देख सकते हैं चूल्हा पूरा पूरा हाथ पैर पूरा फुला, उंगली तक तोड़ दिया, पूरा हाथ का उंगली तक तोड़ दिया है अगला मार के। उसका पिताजी मृतक के पिताजी को उंगली तक तोड़ दिया मार के, पैर पैर भी पूरा उसका तोड़ दिया है मार के। ऐसा यहाँ जितने लोग हैं जितनी भीड़ दिख रही है सब गांव के ही लोग हैं, सब हम लोग सब लोकल हैं सर, वहीं पे गांव के जितने आसपास के गांव के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ऐसा आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? हम लोग इसका पूरा जो मारा है उनको न्याय चाहिए। हम लोग को न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। न्याय में क्या चाहते हैं वही पूछ रहा हूँ, न्याय में क्या चाहते हैं हम लोग, क्या सजा मिले? कहाँ पे है पिताजी? किधर है? आगे हैं, कहाँ पे हैं? मिल लेते हैं, यहीं पे है क्या उनके पिताजी? उनके पिताजी यहीं पे हैं। कहाँ पे है उनके पिताजी? कहाँ पे हैं? कहाँ पे बैठे हैं? आगे में बैठे हैं। उनके पिताजी कहाँ पे हैं वो देख लेता हूँ, और उनके पिताजी से ही बातचीत कर लेंगे। दीदी थोड़ा सा लाइसेंस अभी तक बनाया नहीं सरकार की, किसी को जान से मारते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है यहाँ पे? दीदी क्या बातचीत हो रही है? पब्लिक को बड़ा लाइसेंस, क्या क्या बातचीत हो रही है यहाँ पे? पब्लिक को बहुत बड़ा लाइसेंस होता है, बोला लाइसेंस नहीं है पुलिस का लाइसेंस। किसका लाइसेंस बोल रहे हैं? किसका लाइसेंस? पुलिस वाला को। क्या लाइसेंस बोल रहे हैं आप? माने पुलिस का लाइसेंस ही बंदूक है, वो मार सकता है, यही बोल रहा है। पुलिस के पास एक बंदूक का डर था, पब्लिक को हो जाएगा। पुलिस को मार सकता है बोल के कौन बोला आपको? नहीं सुनने में आ रहा है कि वो मार सकता है। सरकार को आदेश है क्या पब्लिक को मारने का? नहीं बिल्कुल नहीं है ना, तो कैसे मार देगा? हम लोग को हक चाहिए, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। जो हम कोई कुछ किया नहीं है, नहीं चला सकते आपके ऊपर गोली, कौन चलाएगा? कौन बोल रहा है आपके ऊपर गोली चलाएगा? वो बोल रहा है पुलिस वाला, कह रहा है लाइसेंस है तो पब्लिक को मार देंगे। नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनके पिताजी कहाँ हैं? उनके पिताजी कहाँ पे? उनके पिताजी है अभी अंदर अंदर। उनके पिताजी से बात करा दीजिए हमको। उनके पिताजी कहाँ पे हैं भाई? आ जाओ आ जाओ दोस्त। उनके पिताजी कहाँ पे हैं? ये उनके पिताजी हैं भाई। कैमरा कैमरा को आगे भेजिए, ये हाथ देखिए, ऐसा मारा जाता है, जानवर जैसा सलूक किया गया है। मैं बात कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ पिताजी से, बात कर लेता हूँ। ये तस्वीर पहले दिखा देता हूँ, ये देखिए हाथ में अभी भी सूजन है और हाथ फूले हुए हैं। आप जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा। पैर में भी है, इधर पैर को भी दिखा दीजिए, इधर को पैर नीचे पीटे हैं। बैठने दो दादा को, बैठने दो दादा, इधर बैठ जाओ दादा, बैठो 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 बैठो, आप बैठिए आराम से बैठिए आप। थोड़ा सा हट जाइए आप, मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। इनका आने दीजिए ना, दोनों पैर में देखिए। हाँ ये दोनों पैर दिखलाओ भाई, ये देखिए पुलिस वाले कहाँ 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 पे मारे हैं पुलिस वाले? पैर में मारे हैं नीचे, खुला हुआ था पैर में मारे हैं। हाँ जी, और ये हमारे हैं यहाँ भी मारे हैं जी, और हाथ हाथ में तीन जगह। कितना मारे हैं उन लोग? बहुत मारे हैं सर। कितने टाइम तक मार रहे थे? 10-15 से मिनट तक मारे हैं। कितने लोग थे मारने वाले? 8-9 जन है। 8-9 लोग मारे हैं जी। ऐसा क्या बोल के मार रहे थे? और आपको बोले है तुम्हारा बहू कहाँ बताओ? हम बोले सर नहीं पता, बोल नहीं पता, बोल नहीं पता, ऐसे बोलने लगा और मारने लगा मेरा। बोल नहीं पता, मैं बोला जो सर नहीं पता तो बोल नहीं पता, बहू का बारे में मैं नहीं जानते सर। मैं बोला जो नाम पता नहीं जान रहा हूँ। हाँ। तो वो भी बोल नहीं पता, ऐसे ऐसे बोल के मार रहा है। एक छोड़ दिया है, 200 आके मारे है, फिर मेरा आग बंद करके कर दिया है। TI मेरा ऐसे पीछे पकड़ के खड़ा करके रखे हैं और दोनों ऐसे दो हाथ में पाटा चलाए थे। TI मैं ऐसे पीछे पकड़ के रखे थे, पकड़ के रखे थे और दोनों कांस्टेबल मार रहे थे। हाँ जी, अभी जो दिखाई दिया है वही ज़्यादा हम लोग का मारे है। हाँ कौन खान साहेब है ये अभी दिखाए हैं, वही हम लोग का बहुत मारे है। ऐसे ऐसे पायर क्या बोले? इधर 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 आके बोलो, एक एक करके बोलोगे ना तो आवाज सुनाई देगा, मैं आवाज आपकी पहुंचा पाऊंगा। सामने खड़े आपको जो जो मारे हैं उनको पहचान पाइएगा आप? पहचान तो लेंगे सबको, बिल्कुल बिल्कुल पहचान। हाँ वही आदमी हम लोग को सामने चाहिए, वही आदमी हम लोग को सामने चाहिए बस।
जो 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 इनको मारे हैं वही पुलिस वाला हम लोग को बस 5 मिनट के लिए सामने सामने अभी घूम रहा है भाई, वो आदमी सामने घूम रहा है। तो चलो ना, दो मिनट चाहते क्या है आप लोग, क्या चाहते हैं? मतलब देखना चाहता हूँ उनको, सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ कि वो किस स्कूल में पढ़ा है और किस नौकरी वो कर रहा है और किस चाहते, वही मैं पूछ रहा हूँ। पब्लिक है भाई, अब इनको मारेंगे तो भाई जानवर थोड़ी ना है। यदि आप भी उनके ऊपर हमला कर रहे हैं तो ये भी हिंसा है ना, ये गलत बात है, ये मैं बोल रहा हूँ। किनका? यदि आप भी उनको मारते हैं, आप भी उनके ऊपर हमला करते हैं, हिंसा है, ये गलत बात है। तो आप किसी को मुआ देंगे तो हम छोड़ देंगे का? नहीं तो आप भी वही कर रहे हैं ना, फिर तो हमको न्याय चाहिए। न्याय वही, क्या न्याय चाहते हैं? सीधा सस्पेंड, मतलब नौकरी खत्म, सीधा बर्खास्त किया जाए। किस आधार पे उसको सीधा जेल भी दिया जाए, सीधा बर्खास्त जाना चाहिए उनको, मैंने बर्खास्त भी होना चाहिए, ड्यूटी भी खत्म होना चाहिए। तुम अगला को मारे हो तो किस किस आधार पे उसको मारे हो तुम लोग? कब से पुलिस आपको बुला रही थी पूछताछ? मैं पिताजी से बातचीत कर लेता हूँ, आप लोगों से भी बातचीत करूंगा, आपके पास भी आऊंगा, पहले पिताजी से बातचीत। दादा कब से आपको पुलिस बुला रही थी जांच के लिए? 15 दिन पहले से मेरा जांच क्रिया है, कराया है। किस दिन से? 15 दिन पहले एक बार मारपीट किया है। देखिए पहले आपको 15 दिन पहले और मारपीट किए थे? इधर 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 देखिए, 15 दिन पहले मारपीट किए थे तो ये देखिए एक घाव हो गया था। जी जी, 15 दिन पहले जब फूल गया था फिर मैं थोड़ा 15 दिन पहले और मारपीट हुई थी आपके साथ में? जी ये देखिए, बापरे 15 दिन में तामड़ी उतर गया, फिर पायर ऐसे फूल गया था सर। यह देखिए अभी तक मेरा चामड़ी निकल रहा है, झूठ बोलेंगे तो आपको। ये देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, 15 दिन पहले का बात ये है। फिर सर हम लोग इलाज कराया है, घर में दवा लेके मेरा बेटा लेते गया, ठीक ठाक हो गया, सबू भी दर्द है। फिर आया है, बुलाया हम लोग का सोमवार को, पिताजी से बात कर, सोमवार को बुलाया है, सोमवार को हम लोग का दिन भर बैठा के छोड़ दिया है, बोले जा सकता है तुम लोग, गया। फिर मंगलवार को हम लोग का बुलाया है, बुलाने का बाद कुछ नहीं बोला, बैठे रहो दिन भर बैठा है। बैठने का बाद नहीं, बुध को बात है तुम्हारा, मंगलवार को हम लोग का दोनों बाप बेटा का बंद कर दिया है और मेरा नातिन को छोड़ दिया, कहा तुम घर जाओ, इन लोग का नहीं जाने देंगे सर। मेरा बंद करके रखे है हम लोग, मेरा बेटा को बुध को 7 बजे, 3 दिन हो गया, सोम मंगल बुध को हम लोग का ऐसे पिटाई दिया है, 8 से 9 जन मिल के, 9 लोग मिल के मारे आप? जी जी। और जब मारे तो बेटा भी साथ में था? नहीं सर, माई और हमारे अलग रूम में ले जाके मारा गया है, और आपको अलग रूम में और मेरा साथ में था मेरा स्वामी रमेश मंडल। हाँ जी, उनको ही मारा गया था? जी, एक ही साथ में हम लोग का दोनों पिटाई की। क्यों मार रहे थे आप लोग को, पुलिस वाले क्यों मार रहे थे? यही मार रहा है जब बहू हम लोग कहाँ गायब किया है वही बताओ। मतलब आप लोग ही रिपोर्ट लिखवाने वाले थे? रिपोर्ट आप लोग ही लिखवाते थे? हम लोग रिपोर्ट लिखा है और आप लोग को ही मार रहे थे? कह रहा है जो तुम लोग बहू कहाँ मार के फेंके हैं कि जिंदा रखे हैं, तुम लोग लाओ, जब तक नहीं बताओगे तब तक तुम लोग कैसे करेंगे, पिटेंगे। अभी तक पता चल पाया है बहू कहाँ है वो? नहीं सर, हम लोग का पता कहाँ नहीं पता चला अभी तक। अभी तक पुलिस खोजने का प्रयास की, पुलिस के द्वारा कोई मेहनत किया गया है वो बहू को खोजने के लिए? पुलिस खोजी है बहू को? देखिए हम लोग का पिटाई चल रहा है, पुलिस खोजना छोड़ के आप लोग को ही पिटाई का पिटाई चल रहा है। निर्दोष का है जो हरेन का बेटा वसीम मंडल, उसका बेटा को पकड़ के मेरा सामने। कितने लोग को मारा गया, कितने लोगों को पुलिस ने मारा? देखिए हमारा नातिन को नाम है, 4 जन का तो एकदम मारे है, बहुत मारपीट किया है 4 जन का। अरे एक थे को? जी कौन कौन है? 4 लोग यहाँ पे हैं क्या? वो लोग है वो लोग भी है, रमेश मंडल है। मेरा बेटा तो चला गया मेरा। अभी क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से आपको न्याय मिलना चाहिए? देखिए मैं जो भी है दर्शक जो भी बोलेगा वही मैं मानेंगे, मेरा बेटा तो चल ही गया है। नहीं दादा, नहीं नहीं, अपना मन से मैं कुछ नहीं मांगेंगे। जब चला गया मेरा एक ही बेटा था, आज कुछ नहीं हुआ तो वो जब तुम लोग जान लिया था, आज मैं क्या बोल सकेंगे? आज दोष का पर है, जो भी उसका सजा होना चाहिए होना चाहिए। जी जी, नहीं संभालिए, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इकलौता बेटा था और जवान बेटे का जाने का दुख होता है,
आप संभालिए अपने आप को। कैसे संभाल, एक ही बेटा है मेरा, घर में दूर टूटे बच्चा है, परिवार का बेमार है, मेरा भी देखिए हाल है, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा हम लोग का, हम दर कैसे जाएंगे भगवान। एक अच्छा पुलिस धारा क्यों लगाई है? मैं कुछ नहीं धारा लगा है, खाली तुम लोग खोज के लाओ। ऐसा इनको टॉर्चर किया गया, किस मैसेज पे टॉर्चर किया गया? संदेह के तौर पे। हाँ, संदेह के तौर पे। क्या ये आतंकवादी है? आपके मीडिया के माध्यम से मैं शासन से ये मांग करता हूँ कि ये आतंकवादी है, आतंकवादी है जिस कारण इनको ऊपर इतना बेहुदापन टॉर्चर किया गया। एक बैल, बैल को भी आदमी ऐसा नहीं मारता है, को भी ऐसा नहीं मार, को भी ऐसा नहीं मारता है, इस तरह इनको टॉर्चर किया और इनके बच्चे को भी स्पॉट पे मौत हो गया, मारते मारते मार डाला है। और बाद में पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये फांसी लगाया है, जब पुलिस वाले अपने कस्टडी में रखा है जी, उसके एक मुजरिम के पीछे पहरा रहता है हर मिनट हर पल के लिए, कैसे वो फांसी लगाएगा जी? मारने के बाद ये लोग फांसी का बहाना बनाया है। मैं छत्तीसगढ़ शासन से मांग करता हूँ इसको न्याय उचित जांच और प्रशासन हमारे बंगाली समाज का न्याय दिलाने की कृपा करे, नहीं तो आगे चल के ये आंदोलन उग्र होने वाला है। हम लोग रिपोर्ट के इंतजार में हैं और पूरे समाज एकत्रित हुए हैं। दादा न्याय कैसे मिलेगा, कैसा न्याय चाहते हैं आप? न्याय ऐसे चाहता हूँ जिस पुलिस ने इनको, इनके लड़का को टॉर्चर करके मार डाला, जितने लोग मारे हैं, जितने लोग मारे, लोग मिलके मारे, जितने पुलिस वाले लोग मारे हैं उनको, उनको नाम तो नहीं जानता भाई मेरा, बोलने दीजिए। उनको सजा होना चाहिए, कारावास होना चाहिए, जेल होना चाहिए, मर्डर का धारा लगना चाहिए उन पर, उनके प्रति। बिल्कुल। आप रक्षक हो, आप मारने का आपको अधिकार नहीं है, मारने का अधिकार नहीं है। उसको मारने का अधिकार, मारने का अधिकार, रक्षक करने के लिए। हाँ। नहीं तो हमारा विश्वास उठ जाएगा ना भाई, कल के दिन हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। अभी पुलिस के ऊपर कितना विश्वास है? अभी जीरो, खत्म 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 जीरो पुलिस है, पुलिस नहीं है। परसों दिन जो मारा था, मैं थाना के सामने में थे, उन लोग बैल जैसे मारा है, तीनों चारों आदमी को बैल जैसे, बैल को तो नहीं मारते हैं, इस टाइप के मारे हैं। एसपी साहब खुद मारे हैं, एसपी साहब खुद मारे हैं। वो कौन, किस आधार पर उसको एसपी बनाया बताइए? उसको बैल, बैल चरवा बनाना चाहिए उसको, उस एसपी नहीं होना चाहिए उसको, समझ रहे हैं? ये पुलिस वाला के नाम से इलाम पूरा गुंडा है, गुंडा पुलिस वाला नहीं है, गुंडा है इलाम, समझ रहे हैं? परसों दिन हम थे वहां पर, थाना के सामने हम थे, मेरा भतीजा को बिना कसूर से, मेरा भतीजा को भी लेके आया वो लोग, समझ रहे हैं? एकदम जल्लाद है, एकदम जल्लाद, पुलिस नहीं है, जल्लाद है, पुलिस नहीं है, जल्लाद है, जल्लाद है, पुलिस नहीं है, जल्लाद है। लोगों का आक्रोश है और इस आक्रोश को दिखाना ग्राउंड पे बहुत जरूरी है। यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। भैया आप लोग कहाँ से हैं? बलरामपुर से, यहीं। मतलब परिवार की ओर से हैं आप लोग? नहीं नहीं, हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। जनप्रतिनिधि, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग किस प्रकार से न्याय चाहते हैं? देखिए, जो भी मामला घटा है ये बहुत ही दुखद है और इसमें पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ गया, भरोसा उठ गया। पुलिस की ये जो घटना है, पुलिस जो ये, पुलिस के ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, आरोप कितना सही है पुलिस के ऊपर लग रहे हैं? देखिए, आरोप तो जब तक अब जांच की रिपोर्ट नहीं आती तब तक हमारे लिए कुछ कहना मुश्किल है। हम लोग जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हैं, उसके बाद अगर जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। परिजनों को ही मारे हैं, लड़के जो मृतक है उनके ही पिताजी को मारे हैं, उनके परिवार के कुछ और लोग हैं उनके साथ भी पुलिस ने अनाचार किया है, जो नहीं करना चाहिए वो किया, ये कितना सही लग रहा है? नहीं, अगर मृतक के पिताजी के साथ ऐसा हुआ है तो गलत है भाई। अगर वो किसी मामले में, अगर उनके ऊपर FIR होता या कोई किसी में अभियुक्त होते तो अलग बात है, जांच प्रक्रिया पुलिस करती ही है और दोषियों को पकड़ने के लिए उसको कई बार अपना कार्रवाई करना पड़ता है कई तरह का, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और ऐसी घटना हुई है तो ये निंदनीय है।
देखिए इस जगह का माहौल दिखाता हूँ, ये जिला चिकित्सालय के पीछे का माहौल है। इस माहौल को देखिए, लोगों में आक्रोश है, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, लोगों को न्याय चाहिए। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भैया जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, पुलिस ने जो घटना को अंजाम दिया है वो बहुत निंदनीय है। पुलिस के ऊपर लोग विश्वास करना छोड़ दे रहे हैं, पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और लोगों का कहना है कि पुलिस के ऊपर विश्वास करने लायक पुलिस रही नहीं है। बलरामपुर का हर एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा, बलरामपुर में जब तक मैं रहूंगा तब तक यहाँ की हर एक छोटी अपडेट आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा।